बिहार में 65% आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने नौवा दांव चल दिया है। आरक्षण को लेकर आरजेडी ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। पटना में धरना प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। साथ ही बिहार में 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग की। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उछाला, जिस पर सियासत सरगर्म है। जाति आधारित गन्ना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। जब जाति आधारित गन्ना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आरक्षण विरोधी है। जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को एक साथ ललकार रहे हैं, या कहिए एक बार फिर आरक्षण के नाम पर सियासी संग्राम बिगुल फूंक दिया है। है अगर नीतीश कुमार जी में हिम्मत, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या जनता से संवाद करके वो मोदी जी को कहेंगे क्या अनुसूची 9 में डालो बिहार का आरक्षण। आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव की लालटेन वाली पार्टी ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया है, तो तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में आरक्षण की आवाज बुलंद की मांग की है। पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना। बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार में बढ़ाया गया आरक्षण कोटा जो कि 65% होता है, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि आरक्षण सीमा को कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए। दरअसल 21 नवंबर 2023 को तत्कालीन जेडीयू आरजेडी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर बिहार में आरक्षण की कुल आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% तक कर दिया था, जिस पर 24 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिस पर आरजेडी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को घेरने में जुटी है। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में कुट कुट के भाषा भरा हुआ है। आप तो नफरती जमात के लोग हो, मुट्ठी भर लोग इस देश को नचा रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो। कैबिनेट में देख लो कितने मंत्री हैं जी, सेक्रेटरी कितने हैं जी, कौन जातिवाद कर रहा है जी, जातिवाद तो भाजपा के डीएनए में है। 24 जून 2024 को आए पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद से आरजेडी का हर एक नेता बिहार के आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है, क्योंकि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा करने से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और हरियाणा में जाट आरक्षण का मुद्दा बड़ा हो सकता है। हमको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। बिहार के आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने लगा है, वार पलटवार का दौर जारी है। इधर तेजस्वी यादव ने सियासी तापमान को और बढ़ाने के लिए 10 सितंबर से राजनीतिक यात्रा का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव 10 और 11 सितंबर को समस्तीपुर, 12 और 13 सितंबर को दरभंगा, जबकि 14 सितंबर को मधुबनी में होंगे। यानी बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा। ABP News, आपको रखे आगे।